आज ओरियो गुस्सा है, मम्मी ने घर से उसको निकाल दिया है, फिर दोबारा बुला रही है कि आ जा, तो आ नहीं रहे। गेट भी खुला हुआ है एंड अंदर आने के लिए बोल ही नहीं रहा, नाम ही नहीं ले रहा। चल आ जा ओरी, आ जाओ, चल चल ना। नहीं आज गुस्सा है ना, कोई प्यार नहीं करता तेरे से, कोई प्यार नहीं करता ओरियो, ओए कोई प्यार नहीं करता तेरे से, कोई बात नहीं, चल आ जा, आज अंदर जाके लड़ते हैं। ऐसे घर छोड़ के जाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है, और ये है ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। ओ चलो कोई नहीं, आ जाओ चलो। हाँ पैर धो ले, पहले पैर धो ले, अभी भी अंदर नहीं गया, ऊपर है। अब चलते हैं अंदर एंड देखते हैं आज वीकेंड पे हमारे घर क्या बनने जा रहा है एंड आपको भी दिखाते हैं, चलो। तो अब बनने जा रहा है हमारे घर में क्या बोलते हैं मामी इसको, इडली। एंड मामी अपने हैदराबाद से ये मशीन लेकर आया है, मतलब सांचा, ठीक है। एंड आज हमारे घर वीकेंड पे इडली और क्या क्या बनेगा मम्मी, सांबर, इडली सांबर, ये जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मम्मी हैदराबादी स्टाइल में सारा कुछ बनाएंगी। उसके लिए गाइस, उसके लिए मामी ने एक रात पहले ही, मतलब आज हम बना रहे हैं तो कल रात को ये पतीले का जो भी मटेरियल है, क्या है मामी इसमें, इसमें उड़द का दाल है और फिर नमक डाले, ठीक है, अरवा चाउर का है, अच्छा, और सोडा डाला आपने, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें जो भी अभी मामी ने बताया, ठीक है, वो सारी चीजें इस पतीले में डाल के, पानी डाल के इसको छोड़ दिया था हमने रात भर फूलने के लिए। और ये 2 मिनट चुप रहा है। तो अब ये अच्छे से सेट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखो कितना ज्यादा थिक बना हुआ है एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर आया हुआ है इसमें। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है पकने के लिए। तो उसी के साथ में जो हमारे पास सांचा है, मामी ने उसमें सब में अपने हाथों से सब में तेल लगा दिया। तो अब एक एक करके सबको भरेंगे, देन फिर हमारे पास ये कुकर टाइप का कुछ है जिसमें ये सारा मशीन फिट होता है एंड फिर उसको बस पकाएंगे चूल्हे पे रख के। ये मामी, ये मामी, ये तो हमने ना नीचे वाले को फिल नहीं किया है, बिकॉज ना जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये इसके साथ में ही अटैच हो जाएगा, मतलब इसका लेवल क्रॉस कर जाएगा पानी का, डूब जाएगा। तो इसलिए हमने नीचे वाला लेवल छोड़ दिया है एंड बाकी के जो भी लेवल है ना उसको भर रहे हैं भाई साहब। तो ये हेल्दी है ना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी है एंड हेल्दी फूड भी है, कोई तड़कता भड़कता मसाला उसोला कुछ नहीं है। हैदराबाद में डॉक्टर यही बताते हैं, तबीयत खराब होता है बोलते। और सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है क्योंकि लाइट खाना, इसको खा के ना ऐसा भी नहीं फील होता कि भाई गैस बन गया है, पेट भारी है, बिल्कुल भी नहीं है। डोसा नहीं खाता, यही खाता है इडली। अच्छा भी लगता है इसका टेस्ट, एक ये हो गया ना, हमने इतने टाइम से मसाले वाली चीजें खा के अपने आप को मतलब उस तरीके से बना लिया है, तो अब ये नया मिल रहा है खाने को ना जीभ को, तो अच्छा लग रहा है, सिंपल साउ एंड टेस्ट। तो हमारा इडली तैयार हो रहा है, उसी के साथ में वो ऊपर कुकर में ना मामी ने टमाटर को काट के एंड उसको पीसीस, मतलब छोटे छोटे पीसीस कट करके एंड उसमें हल्दी, नमक एंड लाल मिर्च पाउडर एंड अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चार चीजें डालकर अब उसको सीटी लगा रहे हैं, ठीक है, सांभर बनाने के लिए। एंड ये रह गया हमारा लास्ट, मामी आप दुकान कर लो यार इसकी, करेंगे। आपकी परमानेंट कस्टमर तो मैं ही हूँ, वही तो परमानेंट कस्टमर तो मैं ही रहूंगी आपकी। फ्री में ना भाई, फिर मजा नहीं आएगा फ्री का खाने का। यहाँ पर तो आप मामी के तौर पे बना भी ले रहे हो, वहाँ पर आप एक दुकानदार भी होगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा फ्री में। मैं रखूँ क्या? हाँ। तो इसमें हमने इतने लेवल पे पानी रख लिया है, ठीक है, इतने लेवल पे, एंड अब मैं इसको लेकर इस पे रख रही हूँ, ये
अब हम उसको फिट करेंगे इसके ऊपर। एक्चुअली इसके ऊपर वाला जो है ना वो हमसे मिस हो चुका है कहीं पर ही, क्योंकि ये यहाँ पर आए हुए हैं ना तो सामान इधर उधर खटर पटर हो चुका है सारा कुछ, तो इस करके ये गुम हो गया है। तो इसको उठाने के लिए अब देखते हैं क्या जुगाड़ लगाएंगे हम, एंड आपको भी दिखाएंगे। तो ये अच्छे से पैक हो चुका है एंड अब जा रहा है ये चूल्हे पे। तो हमारा ये जुगाड़ था इसको निकालने का, एंड पीसफुली पीसफुली ये फर्स्ट राउंड इज कंप्लीट। हमारा इडली सेकंड राउंड के लिए तैयार है। और ये क्या है ये? मोमोज भी बन सकते हैं ना इसमें। हाँ, इतने बड़े बड़े मोमोज खाएगी तू। बना के इसमें दो दो पीस तीन तीन पीस एक खंडे में डाल देंगे ना। ये मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। विद द हेल्प ऑफ स्पून इसको बाहर निकालेंगे हम। तो थोड़ी ही देर के बाद में हमारी सुंदरी मुंदरी उठ गई है। बस रोए ना यार, बस तू रोइयो मत। एंड यहाँ पर ओरियो सो गया है, एंड उसी के साथ में हमारा सांभर भी तैयार लग रहा है ना मामी। तैयार हो रखा है, हो गया तैयार। अच्छा अभी तड़का लगेगा। ओके, तो ये पक चुका है एंड अब इसको तड़का लगाना चालू करेंगे। इसको घूंट रहे हैं, हमारे में इसको घूंटना बोलते हैं, है ना, है ना। जब इनके तरफ फोन करोगे तभी बोलेंगे ये। नहीं भाई, रो मत रो मत। सो गाइज, देखो हमारा यहाँ पर इडली एंड सांबर बनकर तैयार हो चुका है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बना है। इसके साथ मैं रोटी भी लेकर खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, एंड ये करीबन मैंने इडलियाँ 7 से 8 खा लिया है, ठीक है। एंड इतना हल्का होता है, इतना लाइट होता है कि मेरे इससे पेट भी नहीं भरता है। उसी के साथ में अब बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बेबी के पास में, तो यहाँ पर बेबी मम्मी का फ़ोन चार्ज नहीं होने दे रही है। मम्मी ने फ़ोन चार्ज में लगा के रखा है एंड इसने तार पकड़ लिया, बट हमने ऊपर से स्विच ऑफ कर रखा है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अपना ध्यान रखना। एंड न्यू यूज़र प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।